नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। हम रजला कला पंचायत का एक गांव है। यहां हम आए हुए हैं ग्राउंड जीरो दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि जानते हैं आप, यहां तमाम ग्रामीण कह रहे हैं छठ घाट का निर्माण यहीं होना चाहिए। यहां 100 साल से भी ज़्यादा लोग यहां अर्घ दे रहे हैं और आज तक छठ घाट का निर्माण नहीं हुआ है। जिस तरह आप जानते हैं मनरेगा के तहत कई घाटों का निर्माण होना है, कई घाट बने भी हैं, लेकिन यहाँ सैकड़ों ग्रामीण हैं, सैकड़ों लोग हैं। 350 लगभग डलिया हैं, छठ माता को चढ़ता है। तो कहीं ना कहीं इस तमाम ग्रामीणों की मांग है कि छठ घाट का निर्माण यहीं हो। जैसा कि लोग बता पा रहे हैं कि जो यहाँ मुखिया प्रतिनिधि हैं राजकुमार यादव, वो अपनी ससुराल के पास, जहाँ रजला उनकी ससुराल है, वहाँ छठ घाट का निर्माण कर रहे हैं। अब तो देखना दिलचस्प होगा। हम राजकुमार से भी बात करके बताने का प्रयास करेंगे कि हकीकत में है तो है क्या। जिस तरह ग्रामीणों का जो कम से कम ग्राम सभा बुलानी चाहिए, ग्राम सभा में योजनाएं पारित होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई काम होना चाहिए, नियम तो यही कहता है। पता नहीं अब राजकुमार ने सारे नियम को ताक पर रखकर काम करवा रहे हैं या क्या, का तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। वीरेंद्र कुमार की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, ये अर्घा घाट से जरूर देखिएगा। तो और नाम की है शांति शांति, ये कौन सा घाट है? अर्घा देवी का अर्घा घाट है। कितना साल से यहाँ अर्घ दे रहे हैं आप लोग? 100 साल से। हाँ। तो घाट दूसरे जगह बना रहा है मुखिया जी बनाए तो आप लोग चाहती हैं कि यहाँ घाट बने? अच्छा, क्या नाम है? बहुत दिक्कत हो गया ना में। रानी क्या चाहती हैं, घाट यहाँ बने? कंचन देवी नाम। अच्छा, कहाँ घाट बनना चाहिए? घाट अर्घा नदी बनना चाहिए, अर्घा नदी में बनना चाहिए। चलिए आप बताइए क्या नाम? गिरजा देवी। क्या चाहती हैं आप? घाट बनना चाहिए अर्घा नदी, यही चाहिए घाट। क्या नाम? अमली देवी। क्या चाहते हैं आप? यस बोला, यस सर की अर्घा नदी है, घाट बनना चाहिए, बहुत प्रयास हम करके कि। तो मुखिया जी दूसरे जगह घाट बनवा रहे हैं? अब मुखिया ज्यादा आप की करते ना करते भगवान जाने, लेकिन तो करिए तो बना। नाम बताइए, बोलते हैं कि क्या चाहते हैं आप? घाट यहाँ बने, घाट बने चाहिए अर्घे घाट में। अर्घे घाट कौन सा गांव है ये? हरना और बारह टाण हरना। हाँ। दोनों के बीच में ये अर्घा घाट है। हाँ। बोलिए नाम बताइए, क्या चाहती हैं? घाट बने चाहिए हमारा, रूप दीजिए हड़ा पर अर्घा दो इसी सरकार। अच्छा, अर्घ यहाँ 100 साल का दे रहा। अच्छा ठीक, नाम बताइए, सुनीता देवी। क्या चाहते हैं घाट यहाँ बने? घाट बनना चाहिए यहाँ, बहुत दिक्कत हो गया अर्घा दिए। ठीक, मेरा नाम रोहित कुमार यादव। क्या है रोहित जी आप? मैं उप सरपंच का पति हूँ। क्या नाम है उप सरपंच का? कुमार। अच्छा, ग्रामीणों की मांग है कि घाट यहीं बने, अर्घा घाट में ही जो छठ घाट का निर्माण होना यहीं हो। तो आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि जैसे कि घाट यदि लोग मांग कर रहा है यहाँ पे, हम मुखिया जी से इस विषय पर एक बार बात करना हम चाहते हैं कि आखिर विषय क्या है, योजना वो कहाँ के नाम से छपा हुआ है? योजना उसका छपता है सर मनरेगा में, जहाँ भी बने, जैसे कि मान लीजिए उन चिन्हित किया जाता है कि ये घाट जैसे कहाँ बनना, तो उसके मुखिया जी से हम पूछा जाएगा कि घाट यदि यहाँ के नाम से चिन्हित होगा तो यहाँ पे बनेगा, वहाँ के नाम से चिन्हित होगा। घाट को हम हर जगह बना सकता है, जैसे मान लीजिए गाँव में 3 टोला यदि घाट है, छठ का रख देता है सर, तो 3 जगह मान लीजिए हम घाट बना सकते हैं, तो यहाँ भी बनना चाहिए ना, बनना चाहिए। ग्रामीण जनता जो चाहे वही होगा ना। जो पुराना ये अपने नाम, ठीक, ये 100 साल पुराना लोग कह रहे हैं घाट है। पुराना है, जब से हमको हो सकता तब से अर्घ दे रहा है लोग, हम जानते हैं। अभी तक घाट का निर्माण नहीं हुआ? नहीं। तो आप जनप्रतिनिधि हैं, क्या लगता है यहाँ बनना चाहिए? हम तो बोल रहे सर बनना चाहिए, हर जगह बनना चाहिए, जहाँ जहाँ जैसे कि लोग अर्घ का छठ माँ का अर्घ देता है। ये ग्रामीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या नाम है आपका? सर यादव। कहाँ घर है आपका? तक ये बेला टाण में आप रहते हैं, तो छठ घाट कहाँ आप लोगों यहीं पर देते हैं हम लोग, हरना बलाघाट दोनों आदमी। अच्छा, कितने लोग देते होंगे अर्घ यहाँ? हरना बलाघाट जितना आदमी सब देते हैं। अच्छा, सभी लोग। हाँ। कितना साल से? पूर्वजी से आ रहा सर, 100 साल से भी ऊपर। हाँ। लेकिन अभी तक घाट नहीं बना? नहीं, घाट नहीं बना। छठ पूजा जो कि हिंदू का महान पर्व है। हाँ, 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 सर। तो मुखिया जी से मांग नहीं किया आप लोग? मुखिया जी तो मत बोलिए, अपने बड़का मुखिया बन गए। अच्छा, वो नहीं बनवा रहे हैं ना, कहीं दूसरे जगह बनवा रहे हैं क्या? हाँ, वो दूसरे जगह चाहता है अपने ससुराल में बनाने, ससुराल है हरना तो वही करता सब बने। अच्छा अच्छा, आप बताइए। हाँ, भूषण यादव जी, क्या चाहते हैं भूषण जी? घाट चाहते हैं, घाट यहीं बने। जी जी,
यही बनना चाहिए, पूर्वजों से यही चल रहा है। तो मुखिया जी से क्या आप लोग बोले, तो मुखिया जी क्या कहते हैं? मुखिया जी बोले तो मुखिया जी बोलता है तुमका कहने से वहाँ बनेगा नहीं बनेगा। हमारा क्या नाम है मुखिया प्रतिनिधि देखा? राजकुमार यादव। पत्नी मुखिया है ना उनकी, पत्नी का क्या नाम है जानते हैं? पिंकी देवी। क्या चाहते हैं आप? सर घाट बनना चाहते हैं यही, यही बनेगा घाट। यहाँ हम लोग का पूर्वज से जब से होश है तब से अर्घा नदी के नाम से ये प्रसिद्ध है और घाट बनना चाहिए, यही हम लोग चाहते हैं ताकि घाट बन जाए सबको अच्छा हो। तो मुखिया जी क्या कहते हैं? मुखिया जी इस तो बात नहीं किया लेकिन सुन रहे कि कहीं दूसरे जगह वो बनवाने के प्रयास है, उसका हर नाम बनवाना चाहते ससुराल में। अब सुन रहे कि कहीं दूसरे जगह वो बनवाने के लिए चाह रहा है। आपका मीना देवी, छठ घाट कहाँ बनना चाहिए? अर्घा नदी बनना चाहिए ना, दूसरे जगह बनवा रहा है। अच्छा चलिए, कहाँ बनना चाहिए? आपका नाम बताइए। कहाँ बनना चाहिए छठ घाट? इंद्र बनना चाहिए, बनना चाहिए। पूर्वज से घाट बन रहा है, चल रहा है, हम लोग अर्घ दे रहा है यहाँ पर बहुत दिन से। चार कुछ आठ कुश्ती हो गया है घाट देने के, मतलब क्या रख नाम बोला। कहाँ घर है आपका? हरना पड़ता है हमारा सर। हरना, हाँ। कितनी आबादी होगी हरना में? यहाँ कम से कम तो 200 घाट, मतलब डलिया होता होगा 300। 200 डलिया एक, हाँ। गांव से दूसरा गांव से मिला के 300 पड़ जाएगा, 300-350 डलिया होता, हाँ, होगा। हाँ, 300। आज करने आए प्यारे से आप, यहाँ क्या कौन सा काम चल रहा है? ये कौन सा काम था जो अपना इनका खेत है सर? अच्छा, जो है कि किसान ने बयान दिया, किसान दिया कि तो मेरा खेत है सर, आपका योजना इसमें नहीं है। जो अपना कोई पहाड़ है उन्हें मैं शिकायत आया था तो उनको बात किया तो बोले नहीं हम तो अपना खेत बना रहे हैं, देख लीजिए। अच्छा, मनरेगा का काम नहीं चल रहा है? बबनी पहाड़ है जहाँ कुछ खबरें कल चली थी, इसी बबनी पहाड़ के ठीक सामने ये कोई निजी कार्य हुआ है, और कुछ बात नहीं जैसा कि किसान ने बयान दिया। हम आपको ग्राउंड जीरो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। रजला कला मुखिया की मनमानी तरह से कह सकते हैं, तमाम महिलाएं हैं। जैसा आप जानते हैं हिंदू धर्म में छठ पूजा का बहुत ही महत्व है और ये अर्घा घाट के नाम से ये घाट जाना जाता है, जहां मुखिया बिना गांव का परमिशन लिए या फिर बिना आम सभा किए हुए ही दूसरे जगह घाट बनाने की सूचना मिल पा रही, जैसा कि ग्रामीण बता पा रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कितने वर्षों से यहाँ पूजा लोग कर रहे हैं, छठ मैया को अर्घ दे रहे हैं, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। अब कहाँ घाट बनना चाहिए ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ना है छठ घाट लेकिन सड़क का कोई इंतजाम भी नहीं। जिस तरह आप जानते हैं सैकड़ों सालों से अर्घ घाट पर लोग छठ मैया को, जो हिंदू का सबसे महान पर्व में से एक है, जहाँ पवित्रता का खासा ख्याल रखा जाता है, लेकिन सड़क नहीं है, गड्ढे हैं, पता नहीं जनप्रतिनिधि कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ये वही सड़क है, देख लीजिए यहाँ, ये घाट तक जाएगी ये सड़क, जो बिल्कुल बिल्कुल सड़क क्या कुछ है ही नहीं।